भिलाई में आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय साइकिल पोलो प्रतियोगिता शुरू हुई। छत्तीसगढ़ साइकिल पोलो संघ और बीएसपी साइकिल पोलो संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ सांसद विजय बघेल ने किया। इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग में 200 खिलाड़ियों से और अधिकारियों ने भाग लिया है। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल ने प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों को बधाई दी। 17वीं पुरुष और 13वीं महिला फेडरेशन का आज संपन्न होने के शुभारंभ अवसर पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सभी आयोजककर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, 7 प्रदेश के खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, ऑफिसर आए हैं और हमारा छत्तीसगढ़ उसमें से एक है। तो 8 टीम का टूर्नामेंट चलेगा और एक भव्यता और ऊर्जा का संचार इस मैदान में भी दिखेगा। प्रदेश साइकिल पोलो संघ के अध्यक्ष रमेश श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेल है, ओलंपिक खेल है, इनमें संसाधनों की बहुत कमी है, वित्तीय परेशानियां होती हैं। उसके बावजूद भी बच्चे और जो खिलाड़ीगण हैं इतने उत्साहित हैं कि वो अपने संसाधनों से पूरे हिंदुस्तान भ्रमण करते हैं, अपने खर्चे से जाते हैं आते हैं, खुद महंगी महंगी साइकिल। आपको विश्वास नहीं होगा कि जो ये तो साइकिल पुल है और जो साइकिलिंग जो होता है उसमें 4-4 लाख रुपए की साइकिल आती है, उस साइकिल से खेलते हैं। ये तो सस्ती साइकिलों में हो जाता है, लेकिन बच्चों को सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। प्रतियोगिता में आज पुरुष वर्ग में भारतीय आर्मी और भारतीय एयरफोर्स के बीच पहला मैच खेला गया, जिसमें एयरफोर्स ने हराया। वहीं उत्तर प्रदेश ने केरल को, टेरिटोरियल आर्मी ने महाराष्ट्र को और भारतीय सेना ने केरल को हराकर अगले चक्र में प्रवेश किया।